साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, रजनी नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार है। आ जाएं, आइए। हाँ, कोई सामान वो साथ में लिए होंगी, सफेद दुपट्टा होना चाहिए, नाम रजनी। आ जाएं। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? रजनी। रजनी कहाँ से हो? महुआ। महुआ कहाँ पड़ता है? महुआ उत्तर प्रदेश। इतने क्या कर रही? आप से मिल रही। अरे वाह, धाम पे 25 भी हुआ हैं, आज लो मिल नहीं पाएंगे। ये भगवान, चलो भगवान अच्छी कृपा करें। कथाओं में कम से कम बिना टोकन नंबर का एक ही दिन में व्यक्ति को नंबर तो आ जाता है, ये बड़ी कृपा है बालाजी, ये उनके चरणों की बड़ी कृपा। जी बोलिए, क्या बात? पति खत्म हो गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने के मार दिया, लड़का 10 साल के बाद विकलांग। गुरु जी, जो भी भैंसियां पाले हैं तो वो भी मर जाते हैं, पड़े 6 महीना के बाद सब खत्म हो जाते हैं। पढ़ी लिखी हो आप? नहीं पढ़ी लिखी, हम बोलते जा रहे हैं, आप 5 तक पढ़ी, कोई बात नहीं, हम पूरी बात बोलते हैं, हम अपना पूरा पर्चा पढ़ते हैं, आप बात मिलाइए कि जो आप प्रश्न लेकर आई हैं क्या वो सही है। माइक नजदीक करो जी। हमने ऐसा लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरे घर में उठा पटक मची हुई है, पशु गिर करके मर जाते हैं जी, आपके घर में पशु गिर करके मर जाते हैं, पति का भी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, खत्म हो गए हैं, उनके ऊपर भी मारण विद्या का प्रयोग किया गया था, एवं आपके बालक को चलने में समस्या बनी हुई है, दोनों पैरों में सुन्नपन आ गया है, उसके ऊपर भी तंत्र विद्या का प्रभाव है, क्योंकि पहले ठीक था, चल रहा था, इसके बाद आयु 9 साल 8 महीना के बाद उसके पैरों में सुन्नपन आने लगा, ये तीनों कारण मारण विद्या से हैं, अब तंत्र दिक्कत नहीं करेगा, जो हो गया उसे लौटा नहीं सकते, लेकिन आगे नहीं होने देंगे, ये आशीर्वाद। लड़का भी ऐसे ही हो जा रहा गुरु जी, वो ठीक हो जाए, वो नहीं होने देंगे, क्या ये बातें सही है? सही है गुरु। कोई संदेह नहीं। एक मिनट, गंदे स्वप्न आते, लोग धमकी देते, ठीक है कि हम बर्बाद कर देंगे, सारा लिया है, वही भी उपद्रव करने लगे, जिसका सहारा लव भी हमें साथ दे, सो घर के साथ ससुर परेशान। अब हम किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे, लोग धमकी देते, शत्रुता दिखाते, वही ये कहते कि बर्बाद कर देंगे, चाहे जिसके पास चली जाओ, चाहे जहाँ रहने लगो, घर में नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसी बात आपकी घर की एक स्त्री ने कही है, जाओ आज से ही तुम्हारा बाल बांका तंत्र विद्या से नहीं होगा, ये आशीर्वाद। पिताजी ने कही थी कि बागेश्वर तुम जीती जा, तुम्हारा लड़का सही ना होगा। हम कह नहीं सकते, अब हम किसी के बारे में ना तो हम तुम्हारे पिताजी पे आरोप लगा सकते हैं, नहीं हम पे कहा है, हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम किसी पे आरोप लगाने का हमें राइट नहीं। लड़का गुरुजी सही हो जाए, पक्का बालाजी कृपा करेंगे। उठिए, गुरुजी हमें शंका जी का जाप बताया, वो करवाना कराओ, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, 1.25 लाख का जाप, भगवान नाम का जाप करवाओ, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं जी। इसमें एक मंत्र लिखा, उपाय सुनिए आप, हम नहीं तो भूल जाएंगे। सीताराम, गुरु जी कह रहे हैं कि जो है 21 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलानी है बालाजी के नाम की, गोमूत्र का छिड़काव करना है, धाम पर भगवान बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना है, हम वहीं पर उतारा व मंत्र चिकित्सा कर देंगे, मंत्र चिकित्सा के प्रभाव से आपकी वह टोटका विद्या हट जाएगी, और फिर बाद में जब सब ठीक हो जाए तब अखंड रामायण का पाठ करवाना है। हम लिख देंगे, ला सीताराम, हमारा लड़का सही हो जाए गुरु जी, भगवान कृपा करें। नेक्स्ट,